फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तोमर फार्मा क्लासेस। मैं हेमंत तोमर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है ऑपरेटिंग रेंज एंड कैपेसिटी। ऑपरेटिंग रेंज कैसे डिसाइड करना है बैलेंस का, बैलेंस की कैपेसिटी क्या होती है, मिनिमम ऑपरेटिंग रेंज क्या होती है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग रेंज क्या होती है। ये बहुत बार प्रॉब्लम आती है सामने जब हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, किसी भी बैलेंस को ऑपरेट करते हैं। सो आज ये टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम बैक टू तोमर फार्मा क्लासेस। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बैलेंस से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। बहुत बार प्रॉब्लम आती है कि बैलेंस की ऑपरेटिंग रेंज कैसे सेट करनी है, बैलेंस की कैपेसिटी क्या होती है, ऑपरेटिंग रेंज क्या होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम बात करेंगे कैपेसिटी वर्सेस ऑपरेटिंग रेंज ऑफ द एनालिटिकल वेइंग बैलेंस। वेइंग बैलेंस की कैपेसिटी क्या होती है, ऑपरेटिंग रेंज कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा कैपेसिटी वर्सेस ऑपरेटिंग रेंज। तो कैपेसिटी वर्सेस ऑपरेटिंग रेंज, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कैपेसिटी के बारे में। कैपेसिटी मतलब होता है कि फुल वेइंग रेंज ऑफ द बैलेंस, किसी भी बैलेंस का या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का फुल रेंज, उस इंस्ट्रूमेंट का, उस बैलेंस का कैपेसिटी है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ द कैपेसिटी ऑफ बैलेंस इज 220 ग्राम, इट मीन्स द लोड सेल ऑफ बैलेंस कैन टॉलरेट द 220 ग्राम वेट। मतलब अगर किसी बैलेंस का कैपेसिटी 220 ग्राम है, तो इसका मतलब उसकी लोड सेल के ऊपर हम लोग 220 ग्राम तक हम उसके ऊपर लोड डाल सकते हैं। इफ लोड इज एक्सीडेड द लोड सेल कैन बी डैमेज। अगर आपने 220 ग्राम से ज़्यादा लोड बैलेंस के ऊपर डाल दिया, लोड सेल की कैपेसिटी से बाहर आपने लोड बैलेंस के, लोड सेल के ऊपर अप्लाई कर दिया, तो उससे क्या होगा, बैलेंस का जो लोड सेल है वो डैमेज हो सकता है। सो इफ द कैपेसिटी ऑफ बैलेंस इज 220 ग्राम, यू कैन वेट ऑन दैट बैलेंस अप टू 220 ग्राम। अगर बैलेंस की कैपेसिटी 220 ग्राम है, तो आप उस बैलेंस के ऊपर 220 ग्राम से ज़्यादा वेट नहीं ले सकते। वैसे ही अगर हम बात करें किसी भी, सपोज कोई भी मोटर है या कोई भी बाइक है, उसकी उसकी जो इंजन की कैपेसिटी है उसके ऊपर मेंशन होती है कि ये जो बाइक है इसे आप, इसका जो इंजन है इसकी कैपेसिटी है 110 cc, और आप इसे, आप इसके, इसे आप 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अभी आप इसे दौड़ा सकते हो। दैट इज़ द कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन और पर्टिकुलर बाइक। और अगर हम बैलेंस की बात करें, तो बैलेंस का अगर लोड सेल का कैपेसिटी 220 ग्राम है, तो 220 ग्राम से ज़्यादा आप बैलेंस की लोड सेल के ऊपर आप वेट नहीं डाल सकते, उससे बैलेंस का लोड सेल डैमेज हो सकता है। सो कैपेसिटी मतलब होता है फुल वेइंग रेंज ऑफ द बैलेंस। बैलेंस की फुल वेइंग रेंज क्या है, वो उसकी कैपेसिटी है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग रेंज। ऑपरेटिंग रेंज इज द एक्यूरेसी रेंज ऑफ द बैलेंस। इट मीन्स इफ यू वे एन एनी ऑब्जेक्ट इन द ऑपरेटिंग रेंज, द वेट इज एक्यूरेट। तो ऑपरेटिंग रेंज क्या है, ऑपरेटिंग रेंज एक एक्यूरेसी रेंज है किसी भी बैलेंस की, किसी भी बैलेंस की एक्यूरेसी रेंज है। एक रेंज होती है कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में आप जो भी वेट लेंगे वो वेट एक्यूरेट होगा, क्योंकि आप ये रेंज को आप वेरीफाई करते हो अपने स्टैंडर्ड वेट से। So the operating range is the accuracy range of the balance. It means if you weigh any object on the, in the operating range, the weight is accurate. There are two types of operating range of the balance. दो तरह की operating range होती है balance की, एक minimum operating range, दूसरी maximum operating range. दो तरह की range होती है। तो पहली बात करते हैं हम लोग minimum operating range किसी भी balance की हम लोग कैसे decide करते हैं। तो मिनिमम ऑपरेटिंग रेंज ऑफ बैलेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। इसमें दो कंडीशंस होती है। पहला,
सबसे पहला तो मेन चीज़ है कि आपको समझना पड़ेगा कि मिनिमम ऑपरेटिंग रेंज हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो मिनिमम ऑपरेटिंग रेंज डिसाइड करने के लिए आपको बैलेंस का एक मंथली कैलिब्रेशन करना पड़ता है। मंथली कैलिब्रेशन के अंदर एक पैरामीटर होता है रिपीटेबिलिटी, वो आपको परफॉर्म करना पड़ता है। आपको बैलेंस का प्रेसीजन, बैलेंस की रिप्रोड्यूसिबिलिटी, बैलेंस की रिपीटेबिलिटी चेक करनी पड़ती है। और वहाँ से आपको क्या होता है, 10 वैल्यू आपको मिलती है। 10 मतलब 10 बार आप एक वेट को, सेम वेट को 10 बार बैलेंस के ऊपर रखते हो और उससे आपको सेम रिजल्ट आपको मिलते हैं 10 बार। तो अब आपको जो भी रिजल्ट मिले 10 बार, उन 10 रिजल्ट का आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप चाहो तो वो वीडियो आप देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाल दूंगा, तो वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फिर फॉर्मूला लगाते हैं। अब वहाँ पे दो कंडीशन आएंगे कि आपने पहले रिपीटेबिलिटी किया, रिपीटेबिलिटी से क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कैलकुलेट किया, 10 वेट का आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया। अब वहाँ पे दो कंडीशन आएगी, पहली स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 0.41D से ज़्यादा है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 0.41D से ज़्यादा है तो वहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू 1000। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 0.41D से ज़्यादा है, डी क्या है, डी इज द रीडेबिलिटी ऑफ द बैलेंस। इफ अगर स्टैंडर्ड डेविएशन सपोज आता है 0.4 × 0.1, देन द मिनिमम ऑपरेटिंग रेंज कितनी होगी, तो उसी हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। 2 इंटू, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 0.4 × 0.1 आया है तो 2 × 0.4 × 0.1 × 1000, तो मतलब 0.02 ग्राम, इट मीन्स 20 mg इज द मिनिमम ऑपरेटिंग रेंज ऑफ द बैलेंस। इट मीन्स जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा उतना ही मिनिमम ऑपरेटिंग रेंज भी कम होगी, जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन कम कब आएगा, जब सारी की सारी वैल्यू आपका बैलेंस एक जैसी वैल्यू देगा, एक जैसे रिजल्ट आएंगे सारे के सारे, उसमें ज़्यादा डेविएशन नहीं होगा। जितना कम वेट में डेविएशन होगा उतना ही स्टैंडर्ड डेविएशन कम आएगा, और जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा उतनी ही ऑपरेटिंग रेंज कम होगी बैलेंस की, मिनिमम ऑपरेटिंग रेंज कम होगी, मतलब उतना ही बैलेंस की एक्यूरेसी लेवल भी बैलेंस का हाई होगा। तो मिनिमम ऑपरेटिंग रेंज डिसाइड करने के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 0.41D से ज़्यादा है, बड़ा है, तो वहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, 2 × स्टैंडर्ड डेविएशन × 1000। और अब दूसरी कंडीशन है कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 0.41D से कम है, छोटा है, तो वहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2 × 0.41D × 1000। वेन रीडेबिलिटी डी इज द बैलेंस की रीडेबिलिटी, सपोज 0.4 × 0.1 है, देन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, 0.41D कितना हो जाएगा, 0.44 × 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.41, तो ये इतना हो जाएगा 0.4 × 0.41। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से अगर अगर वैल्यू अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही कम आ गया, सपोज ऐसा हुआ कि आपने 10 वेट आपने एक साथ रखे, 10 वेट आपने रखे और 10 के 10 वेट एक जैसे बैलेंस में दिखाए, उसमें 0 डेविएशन हुआ, सारे के सारे रिजल्ट एक जैसे आए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जीरो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 0। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 0 हुआ, 2 × स्टैंडर्ड डेविएशन × 1000 वाला फॉर्मूला लगा, तो वहाँ पे मिनिमम ऑपरेटिंग रेंज हो जाएगी 0। तो उस कंडीशन को, ऐसी कंडीशन ना आए, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अगर ये जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास ऑपरेटिंग रेंज डिसाइड करने का, ये हम यूज़ करते हैं। मतलब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही कम आ गया, देन उस टाइम बहुत ही कम मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन 0.41D से कम हो गया, उससे छोटा आया स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, देन हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 × 0.41D × 1000। तो 0.41D, डी इज द रीडेबिलिटी ऑफ द बैलेंस, ये बैलेंस की रीडेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि डी की वैल्यू कितनी होगी, और मल्टीप्लाइड बाय 0.41। तो अगर इसे हम कैलकुलेट करें तो कुछ अलग ही रिजल्ट आता है।
तो 2 × 0.41 D × 1000 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 8 mg के आसपास इसका 8.2 mg इसका मिनिमम ऑपरेटिंग रेंज होगा। सो इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरी लेस अप टू जीरो देन ऑपरेटिंग रेंज विल बी शॉर्टर। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 × 0.41 D × 1000। अब बात करते हैं, देखो मिनिमम ऑपरेटिंग रेंज, हम मिनिमम ऑपरेटिंग रेंज के लिए दो क्राइटेरिया थे। पहला क्राइटेरिया कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 0.41 D से ज़्यादा आता है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 × स्टैंडर्ड डेविएशन × 1000। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 0.41 D से कम आता है, मतलब बहुत ही कम आ गया, सारी की सारी वैल्यू एक जैसी है, तो वहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 × 0.41 D × 1000। वहाँ से हम मिनिमम ऑपरेटिंग रेंज डिसाइड करते हैं अपने बैलेंस की। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है तो उसके लिए मैंने ये सीखना है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो मेरा देख सकते हैं। अब बात करते हैं मैक्सिमम ऑपरेटिंग रेंज हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। मैक्सिमम ऑपरेटिंग रेंज डिसाइड करने के लिए हम लेते हैं बैलेंस की कैपेसिटी का 80%, मिनिमम 80% ऑफ द बैलेंस कैपेसिटी। फॉर एन एग्जांपल, अगर बैलेंस की कैपेसिटी 220 ग्राम है, बैलेंस की कैपेसिटी अगर 220 ग्राम है तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग रेंज हम जो डिसाइड करेंगे वो 220 × 180 डिवाइड बाई 100, तो लगभग आएगा 176 ग्राम। तो 176 ग्राम से कम हम मैक्सिमम ऑपरेटिंग रेंज नहीं ले सकते उस बैलेंस का, इससे ऊपर हम ले सकते हैं। इससे ऊपर मतलब आप 176 से ऊपर 180, 190, 200 ग्राम, 210 ग्राम तक आप ले सकते हो, बट 100% नहीं ले सकते। 100% अगर हम लेंगे, बार बार वेट लेंगे 100% बैलेंस की कैपेसिटी का, सपोज 220 ग्राम बैलेंस की कैपेसिटी है, 220 ग्राम बार बार वेट रख रहे हैं बैलेंस के ऊपर, तो उससे बैलेंस का जो लोड सेल है वो डैमेज हो जाता है। उस डैमेज को रोकने के लिए हम बैलेंस की कैपेसिटी का 80% हम मैक्सिमम ऑपरेटिंग रेंज हम लेते हैं। तो इसी वजह से हम 176 से 200 ग्राम के बीच में हम बैलेंस का मैक्सिमम ऑपरेटिंग रेंज ले सकते हैं, 200 ग्राम भी ले सकते हैं, मतलब 80% से ऊपर ले सकते हैं, 85, 90, 95, 100, जो भी हम 100 नहीं ले सकते बट 95 तक हम बैलेंस का मैक्सिमम ऑपरेटिंग रेंज डिसाइड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मैक्सिमम ऑपरेटिंग रेंज, मिनिमम ऑपरेटिंग रेंज, बैलेंस कैपेसिटी। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेटिंग रेंज कैपेसिटी एंड मिनिमम ऑपरेटिंग रेंज, मैक्सिमम ऑपरेटिंग रेंज ऑफ द एनालिटिकल बैलेंस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।